Assalamualaikum. Discipline team of Royal Student Community. Today's discussion topic national language. उर्दू ज़बान की इब्तदा के आगाज़ के बारे में कई मुख्तलिफ मुतज़ाद नज़रियात मिलते हैं। ये आपस में इस हद तक मुतज़ाद हैं कि इंसान चकरा कर गिर जाता है। इन मशहूर नज़रियात में एक बात मुश्तरक है कि इनमें उर्दू की इब्तदा की बुनियाद बरसगीर पाक हिंद में मुसलमान फातहीन की आमद पर रखी गई, और बुनियादी इस्तदलाल यह है कि उर्दू ज़बान का आगाज़ मुसलमान फातहीन की हिंद में आमद और मकामी लोगों से मेल जोल और उनमें और उनकी ज़बान पर असरात व तासर से हुआ, और एक नई ज़बान मौरस वजूद में आई जो बाद में उर्दू कहलाई। उर्दू के हवाले से दाग का एक मशहूर शेर है, उर्दू है जिसका नाम हम जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। तो एक और शेर है उर्दू ज़बान के हवाले से, सारे आलम में फैली खुशबू देखी, सारे आलम में फैली खुशबू देखी, हर लहजे में महकती उर्दू देखी। आज मैं आप लोगों को बताती चलूं कि उर्दू ज़बान के बारे में जो हमारी कौमी ज़बान उर्दू ज़बान है वो बिल्कुल ही ख़त्म किया जा रहा है। किस किस का और कहां कहां का रोना रोया जाए। उर्दू ज़बान के ज़वाल की सिर्फ हुकूमत ही जिम्मेदार नहीं बल्कि आम आदमी तक ने भी इसमें हक़ुल मक़दूर हिस्सा लिया है। और दुख तो इस बात का है कि हमें इस बात का एहसास तक नहीं कि हम अपनी खूबसूरत ज़बान उर्दू का हुलिया मगरब से मरऊब होकर कैसे बिगाड़ लिया है। उर्दू हमारी कौमी ज़बान दोस्तों, उर्दू हमारी कौमी ज़बान, जब उर्दू हमारी है कौमी ज़बान, नहीं मकाम उसका शायान शान, नहीं मकाम उसका शायान शान, है ज़हनी गुलामी का बाकी निशान, अंग्रेज़ी अब जहाँ तक हुक्मरान। इंसान का सबसे बड़ा तख्लीकी ज़रिया ज़बान है। ज़बान बाहमी रब्त का ज़रिया है, कौमों की तरक्की का राज उनकी ज़बान में पोशीदा है। चूँकि इल्म तक रसाई का वाहिद ज़रिया ज़बान है, इस तरक्की याफ्ता और जदीद दौर में जहाँ हाँ अंग्रेज़ी का तोती हर जानिब बोल रहा है, और इस वक्त अंग्रेज़ी एक बैन अक़वामी ज़बान की हैसियत इख्तियार कर चुकी है, ऐसे में हमारी कौमी ज़बान उर्दू छुपी दबी नज़र आती है। एक कदम और आगे चलें तो इससे बड़ा इल्मिया और क्या होगा। अंग्रेज़ी ज़बान को गुफ्तगू का ज़रिया बनाने वालों को ज़हीन समझा जाता है, यानी ज़हानत की पैमाइश को अंग्रेज़ी ज़बान से जोड़ दिया गया है। इंग्लिश वक्त की ज़रूरत ज़रूर है, मगर इसकी आड़ में कौमी ज़बान की फ़ालियत से इनकार करना दुरुस्त नहीं। अंग्रेज़ी सीखने की दौड़ में हम इतना आगे चले गए हैं कि हम अपने बच्चों को उर्दू की बजाय इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भेजना पसंद करते हैं। हर चौक पर इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर का खुलना एक इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि हम बहसीत पाकिस्तानी कौमी ज़बान से ज़्यादा अंग्रेज़ी ज़बान को तरजीह दे रहे हैं। तारीख अस्सलाम वालेकुम। 25 फरवरी 1948 में उर्दू ज़बान को कौमी ज़बान का दर्जा दिया गया है। याद रखें कि ना सिर्फ 1948 में बल्कि माजी में भी हमारे मुल्क को सूबाइत की बुनियाद पर आपस में झगड़े पर उकसाया जाता रहा है। हम सूबाई ज़बानों के दिन तो मनाते हैं मगर कौमी ज़बान का दिन नहीं मनाते। पाकिस्तान में ज़बान का मसला एक गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। 1973 की आइनी शिख 251 में कहा गया है कि उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़बान होगी, और उसको 15 साल के अंदर दफ्तरी और सरकारी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के इंतज़ाम किए जाएंगे। 15 साल गुजर गए मगर आज भी तमाम तर कारोबार रियासती हुकूमत अंग्रेज़ी ज़बान में चलाया जा रहा है। वो करे बात तो है लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। ज़बान किसी भी कौम की शनाख्त होती है। ज़बान छोड़ देने से हम अपनी तहजीब और कल्चर से दूर हो जाते हैं। हमें अपनी ज़बान को इज्जत देना होगी, वरना बैरूनी ताकतें इसे ख़त्म करने में देर नहीं लगाएंगी। वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी, जिधर से भी गुजरता गया सलीका छोड़ जाता है।